तो हरियाणा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गोहाना में कांग्रेस परिवर्तन बस यात्रा ने उड़ाई नियमों की धज्जियां। तो कांग्रेस बस परिवर्तन यात्रा ने यातायात नियमों को तार तार करके रख दिया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां रॉन्ग साइड गाड़ियां दौड़ कर हादसे को न्योता दिया गया है। जहां रॉन्ग साइड गाड़ियां दौड़ी इस परिवर्तन बस यात्रा में, जिसके बाद कल परिवर्तन बस रैली में शामिल हुए थे राहुल गांधी। तो किस तरह से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो रॉन्ग साइड पर इस बस यात्रा में निकल रहे हैं और नियमों को ताक पर रखकर किस तरह से इस बस यात्रा को फॉलो किया जा रहा है, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें कांग्रेस की बस यात्रा की वो तस्वीरें हैं, क्योंकि जब कांग्रेस बस यात्रा गोहाना पहुंचती है तो नियमों को किस तरह से ताक पर रख दिया जाता है, तस्वीरें ये दिखाने के लिए बिल्कुल काफी है। तो गोहाना की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो बस यात्रा में शामिल हुए, वो किस तरह से नियमों को ताक पर रख रहे हैं और किस तरह से सड़क के जो यातायात नियम हैं उनको किस तरह से ताक पर रखा जा रहा है, तस्वीरें इस बात को बताने के लिए काफी है। तो साइड का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता और रॉन्ग साइड से किस तरह से निकल रहे हैं और किसी बड़े हादसे को कहीं ना कहीं से ये कांग्रेस कार्यकर्ता जरूर न्योता दे रहे हैं। तो इस तरह की लापरवाही से किसी भी तरह का बड़ा बस हादसा अगर हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कांग्रेस कार्यकर्ता उस बस यात्रा के जिम्मेदार होंगे। तो जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम, जिस तरह से गोहाना में सड़कों पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो यातायात पुलिस और वहां का परिवहन प्रशासन क्या कर रहा है? जी, तो आप गोहाना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो नियमों को ताक पर रख रहे हैं और यातायात नियमों को जैसे भूल बैठे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता। किस तरह से गाड़ियों पर ओवरलोड होकर ये बस यात्रा निकाली जा रही है, खुले जीप में बैठकर किस तरह से जो जुलूस निकाला जा रहा है वो ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस में जोश तो जरूर है लेकिन जोश की आड़ में किस तरह से नियमों को ताक पर रखा जा रहा है, तस्वीरें ये बताती हुई तस्वीरें आप जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं कि किस तरह से रॉन्ग साइड पर गाड़ियां जो हैं वो हादसे को साफ साफ न्योता दे रही हैं, लेकिन कार्यकर्ता हैं कि जोश और जुनून में जो नियम है उनको ही पूरी तरह से दरकिनार करते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं। तो गोहाना के एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां कांग्रेस बस परिवर्तन यात्रा में किस तरह से नियमों को ताक पर रखा जा रहा है, जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर बसों में गाड़ियों में ओवरलोड पैसेंजर भरे हुए हैं, यात्री भरे हुए हैं, कार्यकर्ता भरे हुए हैं, जिसके बाद जब ये गाड़ी सड़क पर चलने की बारी आती है तो सारे नियमों को ताक पर रख दिया जाता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि रॉन्ग साइड पर ही आ रही बसें किसी बड़े हादसे को न्योता देती हुई बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। तो बड़ा सवाल कांग्रेस के खेमे से कि किस तरह से बस यात्रा के नाम पर जो नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं ये आखिर कहां तक सही है, और अगर कोई बड़ा हादसा होता है, कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेवार आखिर कौन होगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? इस गोहाना में अगर किसी भी तरह का बड़ा हादसा हो जाए बस यात्रा के दौरान तो उसकी जिम्मेवारी आखिर कौन होगा, उस पूरी घटना का दुर्घटना का आखिर कसूरवार कौन होगा? ये बड़ा सवाल कांग्रेस के खेमे से है कि जिस तरह से ये बस यात्रा की आड़ में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, नियमों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस तरह से यातायात नियमों को पूरे धड़ल्ले से उसको बेकार किया जा रहा है, उसकी ये तस्वीरें बेहद काफी है। तो गोहाना की इन तस्वीरों पर हम लगातार बने रहेंगे, लेकिन उससे पहले अब तक की कुछ सुर्खियां। असम में बोले पीएम मोदी, कहा चौकीदार से सिर्फ दो लोग परेशान, एक कांग्रेस और दूसरे आतंकवादी। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गांधीनगर सीट से भरा नामांकन, शाह के रोड शो में राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, उद्धव ठाकरे रहे मौजूद। गुजरात के गांधीनगर में बोले गृहमंत्री राजनाथ सिंह, कहा चौकीदार चोर नहीं बिल्कुल प्योर है, इसीलिए बीजेपी की जीत भी श्योर है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा अगर धारा 370 को तोड़ा गया तो भारत और घाटी के रिश्तों को नए सिरे से बनाना होगा।
तो शाम में बीजेपी की विजय संकल्प रैली में सीएम मनोहर लाल ने किया ग्रामीणों को संबोधित, प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया, कहा सूबे में खत्म किया गया गुंडागर्दी का शासन। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर होने वाली मीटिंग के स्थगित होने के बाद गरमाई सिख सियासत, कांग्रेस बीजेपी और अकाली दल ने पाकिस्तान की मंशा पर फिर से उठाए सवाल। हिमाचल कांग्रेस ने शिमला और मंडी सीट पर किया उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, हमीरपुर और कांगड़ा सीट पर सस्पेंस अब भी बरकरार। कुछ ही देर में मुंबई और पंजाब के बीच शुरू होगा मुकाबला, मोहाली में खेला जाएगा मैच, अभी तक दोनों टीमों ने जीते हैं एक एक मैच। अक्षय कुमार की फिल्म केसरी की धांसू कमाई जारी, फिल्म ने अब तक 110 करोड़ रुपए की कमाई की। और आज अंबाला की जमीन पर सजेगा जनता टीवी का मंच, शाम 5 बजे देखिए खास कार्यक्रम कौन बनेगा एमपी, राजनीति के दिग्गजों के सामने जनता टीवी उठाएगा आपके अपने सवाल। तो बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। सीधा आपको गोहाना ले चलते हैं जहां पर किस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सीधा आपको गोहाना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से कांग्रेस जो कार्यकर्ता है बस यात्रा के नाम पर किस तरह से गोहाना में नियमों को ताक पर रख रहे हैं और किसी बड़ी दुर्घटना को भी साथ साथ न्योता दे रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जनता टीवी आपको दिखा रहा है, अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि किस तरह से ये गोहाना में जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं ये बसों में भर कर किस तरह से नियमों को ताक पर रख रहे हैं आप साफ देख सकते हैं। जी बिल्कुल, किस तरह से आप देख रहे हैं नियमों को ताक पर रखा जा रहा है और ये कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं। तो वही आपको बता दें कि जब संदीप वहां के जो SHO हैं उनसे जनता टीवी ने बात करनी चाहिए इस सिलसिले को लेकर तो उन्होंने कैमरे पर ही आने से साफ साफ मना कर दिया। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां गोहाना में कांग्रेस बस परिवर्तन यात्रा में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है लेकिन जब जनता टीवी ने संदीप SHO से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे पर आने से साफ साफ मना कर दिया। तो तरुण भंडारी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तरुण भंडारी जी, बेहद सिंपल सा सवाल, इस तरह से नियमों को ताक पर रखकर आप 10 में 10 सीटें जीतेंगे? ऐसा की बात, आप मीडिया को सिर्फ ये बात दिखाई दे रही है, मैं मान नहीं सकता कि कांग्रेस का कोई भी आदमी नियमों की धज्जियां उड़ाए, क्योंकि कल हमारे हर जगह पे आप देखिए जगाधरी से लेके करनाल तक रोड शो था जिसमें लाखों की तादाद में लोग थे और हमारे कार्यकर्ता थे, वहां पे इतने वाहन आए, आप बता दीजिए किसी भी वाहन ने कुछ गलत किया, मैं वहां पे खुद मौजूद था। अरे तरुण जी, तस्वीरें बेहद साफ है, बेहद सिंपल है, किस तरह से नियमों को ताक पर रखा जा रहा है, रॉन्ग साइड पे आपकी गाड़ियां जा रही हैं और उस साइड से भी गाड़ियां आ रही हैं, अगर किसी भी तरह की दुर्घटना हो जाएगी तो जिम्मेवारी कौन लेगा? ऐसा है कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब इतना ज्यादा भारी संख्या में लोग आ रहे होते हैं तो आप कांग्रेस ही नहीं कह सकते, भारी संख्या में जब लोगों को बुलाया जाता है, न्योता दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं सबसे इंतजाम भी किए जाते हैं। तरुण भंडारी जी, सभी यातायात के नियम और सारी सुरक्षा की ड्यूटी सरकार की और पुलिस की होती है, उनको तो कार्यकर्ता आपके नियमों की धज्जियां उड़ाते रहेंगे, अगर सरकार आप कुछ नहीं बोलेगी, वहां का जो प्रशासन है, यातायात पुलिस है, वो कुछ नहीं बोलेगी तो आपके कार्यकर्ता इसी तरह से नियमों को ताक पर रखते रहेंगे? कौन कह रहा है कि सुरक्षा की, मैं आपको बता रहा हूँ कि कल मैं तरुण भंडारी ये तस्वीरें आज की हैं, गोहाना की तस्वीरें हैं, कहीं पे भी बता दीजिए जब लाखों की संख्या में लोग थे, हर आदमी ने अनुशासन अपना बनाए रखा, हर आदमी अगर ये अनुशासन की तस्वीरें हम जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो रॉन्ग साइड पर आपके कार्यकर्ता जा रहे हैं, विजुअल लेके आ रहे हो ये मुझे नहीं पता, हर मीडिया वाले को सनसनी बनाने की आदत पड़ चुकी है, पर आपको 100 में से 99 चीजें अच्छी नहीं। तरुण भंडारी जी, तस्वीरें झूठ नहीं बोला करती हैं, तस्वीरें गोहाना की हम अपनी टीवी स्क्रीन पर लगातार चला रहे हैं, सवाल यहाँ पे एग्रेशन का नहीं है, सवाल सिर्फ सिंपल सा है कि अगर किसी भी तरह का तरुण जी हादसा होता है तो फिर जिम्मेवार कौन होगा? धज्जियां उड़ाई है उसका चलान होना चाहिए, जो भी नियम के अनुसार है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये बताता हूँ कि कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता इस तरह का काम नहीं कर सकता, आप पहले ढूंढिए वो कौन आदमी थे, वो कोई और भी आदमी हो सकते हैं, कांग्रेस का कोई आदमी भी
अनुशासन में रह के हम काम करते हैं। हमने कई बार सरकारें भी चलाई हैं और सबसे बड़ी बात जी तरुण भंडारी जी बिल्कुल महत्वपूर्ण दिन था, राहुल गांधी भी आए थे, लाखों की संख्या में हमारे लोग आए हुए थे। किसी भी आदमी ने अगर हम रोड पे थे, एसपी जी और पुलिस ने जो नियम हमारे लिए बनाए हमने उसकी पालना की। जी तरुण भंडारी जी, एक आप जो हम जनता टीवी पर तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं उन तस्वीरों को कि नहीं? मैं नहीं देख पा रहा जी। हम आपको पहले तस्वीरें थोड़ा सा क्लियर कर दे रहे हैं। तरुण भंडारी जी, मैं आपको तस्वीरें पहले क्लियर कर दूं, थोड़ा सा साफ कर दूं। तरुण भंडारी जी, मैं तस्वीरें थोड़ा सा आपसे साफ कर देता हूं, फिर मैं आपसे सवाल पे आता हूं। सड़क है जिस सड़क पर आपके कार्यकर्ता राइट साइड पे तो चली रहे हैं, लेकिन रॉन्ग साइड पर भी जो आपकी परिवर्तन यात्रा की बसें हैं वो भी लगातार चल रही हैं और बड़ी संख्या में चल रही हैं। मात्र एक बस हो, दो बसें हो, तो हम फिर भी मान सकते हैं कि किसी भी तरह से बसें जो है डाइवर्ट हो गई, लेकिन पूरा का पूरा काफिला आपका रॉन्ग साइड पर चल रहा है। क्या पता वहां से यातायात बाधित हो और किसी ने वहां से निकलवाई हो, प्रशासन ने वहां से निकलवाई हो। जी तरुण भंडारी जी, हमारे आपको रोकना चाहेंगे। रमन मल्लिक जी बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं करने के लिए। बिल्कुल तरुण जी, बिल्कुल तरुण भंडारी जी, आप लगातार बने रहेंगे आपके साथ, आप हमारे साथ बने भी रहिएगा। तो मैं कहता हूँ, मैं आपके चैनल पे कहता हूँ, आपको सनसनी नहीं बनानी चाहिए, आपको प्रशासन और सरकार से पूछना चाहिए वो क्यों नहीं नियमों का पालन करवा रहे और कौन से लोग हैं जो इस तरह जंग से निकल रहे हैं। कांग्रेस का सर आपके ही लोग हैं, कांग्रेस का एजेंडा इनकी बसों पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो हम कैसे कहते कौन से लोग हैं? आपकी परिवर्तन बस यात्रा में शामिल है और आपकी परिवर्तन बस यात्रा में कौन कौन से लोग? बीजेपी के लोग तो सर आएंगे नहीं, जाहिर सी बात है। आपके कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, किस तरह से वो ओवरलोड एक तो भरे हुए हैं, जिसके बाद किस तरह से वो रॉन्ग साइड पर चल रहे हैं, तस्वीरों में हम साफ दिखा रहे हैं सर। आप इस चीज को नहीं नकार सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि कौन से लोग हैं ये। आपके ही बैनर पोस्टर, आपके यहां पर नेम प्लेट, सारा सब कुछ आप ही का है, कांग्रेस का ही है। तो क्या बीजेपी के लोग हैं या फिर किसी दूसरे देश से यहां पर ये लोग आ गए, यहां पर नियमों को ताक पर रख रहे हैं? जी तरुण जी, जी अरुण जी हमारे साथ, रमन मल्लिक माफ कीजिएगा, रमन मल्लिक जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं। रमन मल्लिक जी, जो जिस तरह से कांग्रेस की ये बस परिवर्तन यात्रा में लापरवाही आई है, इसके बाद आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे कहने से पहले ईसी चाको जी इस चीज का विवरण दे चुके हैं कि ये क्या है। ईसी चाको जी ने ANI को एक साक्षात्कार देते हुए कहा है कि नेहरू गांधी परिवार इज द फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडिया, प्रथम परिवार है ये इस देश का। तो जब वो प्रथम परिवार राजशाही में घोषित कर दिया तो फिर अब आप सवाल पूछेंगे तो वो गलत बात होगी ना। ऐसे ही अभी प्रियंका जी भी निकली थी बिना टोल दिए, वो भी चल रहा है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया था चाकू साहब ने सुबह बयान देके कि ये प्रथम परिवार है। जी बिल्कुल रमन जी, हम आपके साथ बने रहेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से सुभाष बत्रा जी, जो कांग्रेस के नेता हैं, वो जुड़ चुके हैं। सुभाष बत्रा जी, हम आपको पहले तस्वीरें साफ करते कि जिस तरह से कांग्रेस की बस परिवर्तन यात्रा आज गोहाना में निकाली गई, यातायात नियमों की जमकर धज्जियां गोहाना में उड़ाई गई हैं, यातायात नियमों को ताक पर रखकर रॉन्ग साइड में पूरी परिवर्तन बस यात्रा निकाली गई, तस्वीरें हम बिल्कुल साफ अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तो कांग्रेस अगर किसी भी तरह का बड़ा हादसा होगा तो जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, ऐसा है, लोगों में जोश है बहुत ज्यादा जी, और कांग्रेस प्रदेश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर पूरी तरह से लोग मन बना चुके हैं कि परिवर्तन होना चाहिए जी। तो कई बार थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सारी चीज ठीक रही है। कल राहुल जी की जो यात्रा थी बड़ी सफल और कामयाब यात्रा थी, लोगों में बड़ा उमंग और जोश है, लोग चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उखाड़ के बाहर। जी बिल्कुल सुभाष जी, लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अगर किसी भी तरह का बड़ा हादसा हो जाता है तो जिम्मेवार कौन होगा? जोश में होश खोने वाली विवाद भी यहाँ पर सामने आती है, किसने अधिकार दिया है इस तरह से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने का? नहीं, कई बार क्या होता है कि जब भीड़ ज्यादा होती है लोग बहुत तो आपको भीड़ के हिसाब से व्यवस्था करनी चाहिए थी सर। रैली निकालने से पहले परिवर्तन यात्रा इतनी बड़ी तादाद में थी, आपको भी पता था कि आपके हजारों कार्यकर्ता इस रैली में हिस्सा लेंगे, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कल शामिल हुए तो आज भी आपके हजारों कार्यकर्ता इस रैली में जाहिर सी बात है आने होंगे, तो उसको लेकर इंतजाम क्यों नहीं किए गए? इस तरह से नियमों की धज्जियां जो टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं क्यों उड़ाई गई आखिरकार? इसका जिम्मेवार कौन होगा? देखिए, ऐसा है, मैं होम मिनिस्टर रहा हूँ प्रदेश का, ये यहाँ के पुलिस का इंतजाम होता है, अल्टरनेटिव रूट भी बनाते हैं, कई रूट्स के ऊपर पुलिस भी तैनात करते हैं, कई बार अलग अलग रूट्स पे लोग आ जाते हैं,
तो हम ये तोको करेंगे कि पुलिस इंतजाम पूरी तरह से करेगी और रैली कामयाब होगी। जी सुभाष बत्रा जी, हम आपको पहले तस्वीरें साफ करा दें कि एक गाड़ी नहीं, पूरा का पूरा काफिला रॉन्ग साइड से निकल रहा है। अगर एक गाड़ी होती तो बिल्कुल हम मान सकते थे कि शायद निकल गई हो, लेकिन आपका पूरा काफिला रॉन्ग साइड पे चल रहा है और इस साइड से जो आम लोगों की गाड़ियां हैं वो भी जा रही हैं। अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा और इतनी बड़ी लापरवाही आखिर आपकी परिवर्तन रैली में कैसे हो सकती है? नहीं, इसके लिए मैं तो अभी यहाँ पर हूँ, मैं अभी पुलिस को भी इन्फॉर्म करता हूँ, सबको इन्फॉर्म करता जी। हमने फोन भी मिलाया संदीप जो वहाँ के SHO हैं, उन्होंने कैमरे पर आने से साफ साफ मना कर दिया है। ये किस ओर इशारा करता है सर? मतलब क्या है इसका मतलब? ये क्या है कि आज सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज कार्यकर्ता तो आपके हैं, कार्यकर्ता तो आपके, अनुशासन आपका है, नेतृत्व आपका है परिवर्तन रैली में सर। चलो सारी चीज ठीक रहेगी, मैं तो ये सर इस सब, सर, एक कांग्रेस आज भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सर एक आज बेहद छोटा सा सवाल सुभाष जी, लोगों के अंदर उमंग है सुभाष जी, लोग कई बार ऐसे जब बहुत ज्यादा भीड़ आ जाए सुभाष जी, एक बेहद छोटा सा सवाल, दूर से अलग होके लोग चले जाते हैं सुभाष जी, एक बेहद छोटा सा सवाल कि आप खुद इस रैली में आपको न्योता नहीं मिला, इसको लेकर आप नाराज चल रहे हैं? नहीं, कोई ना कोई चूक हुई है, मैं मानता हूँ इस बात को। जी बिल्कुल सुभाष जी, चूक हुई है मानते हैं आप, आपको न्योता नहीं दिया गया है इस रैली में आने का, आप भी नाराज चल रहे हैं, ऐसी कुछ खबर नहीं? हम राहुल जी के साथ हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो हमारे परिवार में किसी की डेथ हो गई थी, मुझे वहां जाना पड़ गया, और राहुल जी के अंदर पूरी आस्था है, कांग्रेस पार्टी के अंदर पूरी आस्था है। मैं इस हरियाणा का मिनिस्टर रहा हूँ, काफी सालों तक वजीर रहा हूँ, संगठन में पूरी तरह से साथ रहे हैं। कोई नहीं, ये तो छोटे मोटे जमहूरियत के अंदर डिफरेंस ही चलते हैं, दूर हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल, वो तो आपका आपसी मामला है, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि 10 की 10 सीटें कांग्रेस जीतेगी इस बार हरियाणा में, तो इस तरह से नियमों को ताक में रखकर आप 10 की 10 सीटें जीतेंगे? जी हाँ, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि लोकसभा की 10 की 10 सीटें जीतेंगे और प्रदेश का और 2 महीने के बाद जो चुनाव होगा यहाँ इस हरियाणा के अंदर, वो भी हम पूर्ण बहुमत के अंदर आएंगे। जी जी बिल्कुल, लेकिन सुभाष जी हम आपको बता दें, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं हुड़दंग मचा रहे हैं, और इससे क्या इमेज आपकी बनेगी, किस तरह की इमेज आपकी बनेगी यहाँ पर कार्यकर्ताओं को लेकर जनता के बीच? नहीं है, मैं मानता हूँ ये ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई थोड़ी बहुत चूक हुई है और कोशिश करते हैं कि बंद कमरे में सर ये नहीं हो रहा था, ये रोड पर बीच खुले आम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। आपकी जो जनता है, जो आपका जनाधार है, जिसको आप कह रहे हैं कि इस बार हमें 10 के 10 सीटें देगा वो जनाधार भी ये तस्वीरें देख रहा है सर, वो भी आपसे सवाल जरूर पूछेगा। इसमें ऐसा है, थोड़ा सा ये भी आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें जी, कि लोग बेशुमार हैं, हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े हैं जी, इतनी हमें भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से जन सैलाब उमड़ जाएगा जी। तो कोई नहीं, अब परमात्मा ठीक करेगा, सारी चीज ठीक होगी जी। तो परमात्मा के सारे चलने दिया जाए फिर यातायात व्यवस्था सारे ट्रैफिक पुलिसों को हटवा दिया जाए, कहिए तो सर। उसकी गलती मैं स्वीकार करता हूँ, धन्यवाद, थैंक यू। अरे सुभाष जी एक छोटा सा सवाल, सुभाष जी परमात्मा के सारे छोड़ दी जाए ट्रैफिक व्यवस्था सारी सर, ट्रैफिक पुलिस जितने हैं उनको हटवा दिया जाए सर चौराहे से? नहीं, मैंने तो आपको कहा है ये बात कि उनको पहले दूसरे रूट से जहाँ से ये गए हैं उसकी भी परमिशन लेनी चाहिए थी जी। मैं मानता हूँ जो आप कह रहे हो, ताकि पुलिस के पुख्ता इल्जाम हो, लेकिन जो कुछ भी हुआ है इसकी जानकारी लेने के बाद भी कुछ कह पाएंगे ना। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पुलिस प्रशासन, मैंने देखा है, मेरे पास जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस का डिपार्टमेंट रहा है जी। हम अल्टरनेटिव अरेंजमेंट भी रखते थे, हम सिक्योरिटी को दोनों तरफ हर रूट के ऊपर लगाते जी, ताकि कोई चूक ना हो। बिल्कुल सुभाष बत्रा जी, लेकिन एक बात, फिर भी सरकार को ये सारी चीजों को देखते हुए सारी चीजें उपलब्ध करा दी जी। बिल्कुल सुभाष बत्रा जी, लेकिन जिस तरह से ये अनुशासन और नियमों की कमी है, तो नेतृत्व में तो कहीं कमी नहीं है आपके? नहीं, ऐसी कोई परिवर्तन रैली को लेकर, ये तो बहुत छोटी सी बात, कोई बात नहीं, इसे नेतृत्व क्या करेगा सर? अगर बड़ी, भगवान ना करे, लेकिन अगर बड़ी कोई दुर्घटना घट जाती फिर नहीं करेगा, नहीं आप देखना, आप और हम फिर मिलेंगे, फिर चैनल के ऊपर बात करेंगे सर, इस पर संज्ञान जरूर लीजिएगा, और जो भी इस चीज को लेकर दोषी है उन पर सर कार्यवाही भी करिएगा, क्योंकि पार्टी के आप जाने माने बड़े नेता हैं सर आप। ओके, धन्यवाद जी, बिल्कुल बिल्कुल सुभाष जी। तो अब सीधा हम आपको रमन मलिक जी के पास ले चलते हैं। रमन मलिक जी, ये बताइएगा, जिस तरह से ये सुभाष बत्रा जी ने अपनी जो चूक है कार्यकर्ताओं की मानी है, लेकिन अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो फिर उसकी चूक और उसकी जिम्मेवारी कौन लेता? जी
रमन मलिक जी से हमारा संपर्क टूट चुका है, तो हम आपको तस्वीरें में साफ दिखा सकते हैं किस तरह से जो कांग्रेसी नेता है, कांग्रेसी कार्यकर्ता है, परिवर्तन बस यात्रा के नाम पर नियमों को ताक पर रख रहे हैं। और हमारे साथ सुभाष बत्रा कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो जुड़े, उन्होंने चूक मानी। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी इसके लिए जिम्मेवार है, इस तरह के अनुशासन को तोड़ने के लिए, उन पर सख्त कार्रवाई भी करेगा। इनका नेतृत्व जो है वो भी कार्रवाई करेगा और जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उनको भी कहीं ना कहीं से डांट लगाई जाएगी, जो भी पूरे इस रैली में अनुशासन को तोड़ने के जिम्मेवार है। तो तस्वीरें गोहाना की हम आपको बता दें एक बार फिर से कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी ने आपको दिखाई, जिस तरह से कांग्रेस अपनी परिवर्तन बस यात्रा में नियमों की धज्जियां उड़ा रही, नियमों को ताक पर रख रही है और बिल्कुल हुड़दंग के अंदाज में, हुड़दंग के माहौल में निकल रही, खुली जीपों में निकल रही है और बसों में भी ओवरलोड जो यात्री हैं, जो इनके कार्यकर्ता हैं, वो जुड़े हुए हैं। रमन मलिक हमारे साथ एक बार फिर से बीजेपी से जुड़ चुके हैं। रमन मलिक जी, सुभाष बत्रा जी ने कहा कि ये कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की चूक है, अगर हादसा होता तो फिर चूक के लिए कौन सामने आता? आपको याद रहना चाहिए जब साइकिल यात्रा या कुछ निकल रही थी अशोक तवाजी की जी, तब भी एक हादसा हुआ था एक बच्चे का जो एम्बुलेंस में जी। और आपको एक और याद कराऊं कि ये पानीपत और सोनीपत वाले हाईवे के ऊपर भी रॉन्ग साइड बस चल रही थी इनकी यात्रा की एक जी, और उस समय भी इंसिडेंट हुआ था। तो मैंने जैसे पहले कहा, कांग्रेस एक चीज स्पष्ट कर चुकी है कि नेहरू गांधी परिवार इस भारत का प्रथम परिवार है और उनके, लेकिन रमन मलिक जी सवालों से आप भी नहीं बच सकते हैं। रमन मलिक जी, ये जो दुकानदारी है कांग्रेस, रमन मलिक जी सवालों से आप भी नहीं चुके हैं, सवालों से आप भी नहीं बच सकते हैं, क्योंकि प्रशासन आपका है, सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, पुलिस भी आपके कंट्रोल में है। संदीप SHO जो आपके हैं, उन्होंने फोन उठाने से मना कर दिया, उन्होंने से कैमरे पे आने से साफ साफ मना कर दिया। तो सर, आपका प्रशासन क्या कर रहा था, आपकी जो पुलिस है वो क्या कर रही थी वहां पे मौका वारदात पे, जिस जहां पर इस तरह से नियमों को ताक पर रखा गया? जो प्रशासन और पुलिस या बाकी सारे मशीनरी जो होती है वो डायरेक्टली ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होती है, लेकिन चुनाव आयोग की निगरानी के अंदर रहती है जी। डायरेक्ट हम लोग बहुत ज्यादा पॉलिटिकल लोग कुछ नहीं उसमें करते। दूसरी बात जो मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहूंगा, रमन मलिक जी, हम पॉलिटिकल बात नहीं, हम प्रशासन की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे चुनाव आयोग चौराहे पे नहीं खड़ा होगा ट्रैफिक पुलिस वालों को हटा के। सर देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन इस समय पूर्णतः चुनाव आयोग के साथ होता है, हम लोग आर देयर, बट उससे ज्यादा कंट्रोल चुनाव आयोग का होता है। उन्होंने किस तरीके से करने दिया, जब भी कोई कार्रवाई होती है आपको याद होना चाहिए कि अभी इनकम टैक्स ने कुछ कार्रवाई करी थी कर्नाटक में, जिस तरह से चूक हुई आपने भी माना चूक है, इन कार्यकर्ताओं पर जो भी दोषी हैं इस तरह से नियमों के उल्लंघन को लेकर, उन पर किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद जनता टीवी रखे? एक छोटा सा सवाल है सर, बिल्कुल आखिरी जी। रमन जी से हमारा संपर्क शायद टूट चुका है, तो ब्रेक बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।